जैसे कि मैंने अभी कहा है सबको कि इंसानियत पर जोर दिया गया है और कुछ भी नहीं। जैसे कि कबीर की आपने सुना ही होगा कि दो शादी हुई हुई है, तो वो एक बीवी को मतलब रिस्पेक्ट देते हैं और दूसरी को नहीं देते। तो हम बस यही कहना चाह रहे थे कि हम तो इस्लाम को नहीं मानते क्योंकि हम नास्तिक का रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर में। लेकिन बात यह है कि अगर इस्लाम भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसानियत पर बहुत ज़ोर देता है। तो हम अगर वो इस्लाम को मानते हैं तो आप भाई इस्लाम जब आपको इंसानियत पर ज़ोर देता है तो आप फिर इंसानियत को क्यों नहीं आप गौर फरमा रहे? एक को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे को क्यों कर रहे हो आप? जैसे कबीर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको यानी सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि जी यानी जो भी तलाक क्यों नहीं था वगैरह, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, आप राइट या कबीर? देखिए ऐसा है कि वो अपनी हद तक कई हद तक वो अपनी तरह सही है और कई हद तक हम सही हैं। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी शायद हो सकता है नया ट्विस्ट मिलना ही चाहिए। जी पैचअप तो होगा ही ज़रूर। अब अभी आप जैसा आपने देखा कि हमारा पैचअप हो चुका है, ऐसा बीच में कोई खलीश नहीं है दिल में हमारे, प्यार मोहब्बत से हम गए हैं और क्या, गले मिल गए। तो हमारे घर में जो मेरी ननद आई है काफ़ी सालों से के बाद आई है और काफ़ी नया नया पैसा उसके घर में आया है। उसके बेटे ने जो आज़िब है उसका बेटा है, उसने काफ़ी करोड़पति बन गया है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर किया है। तो वो नया नया पैसा जैसे आता है तो दिखावा कर रही है, हमें टॉन्ट मार रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड़ाई और झगड़ा हो रहा है वो आज़िब और मेरे बेटे कबीर के बीच में हो रहा है, मज़हब को लेके या उसके तौर तरीके को लेके या जो जैसा समझता है उसको लेकर। तो मैं बस कठपुतली की तरह खड़ी हूँ और चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। लेकिन बेमतलब इनकी बहन का नाम आ गया है। रुखसार का नाम तो हर जगह बेमतलब ही आता है, उसकी वजह से तो ड्रामा आता है। रुखसार ना हो और जीनत ना हो तो ड्रामा नहीं आता है। तुम तो चुड़ैलें जब तक ना हो तो अभी फिलहाल ये मेरी शांत है, मेरी बहुत अच्छी जुड़ैल है ये। मुझे में वो होती ना विचेज होती, जो एंजल्स विचेज होती है वो है, क्योंकि अब जो ड्रामा है वो आज़िब और ये जो कमबख्त तब्बू आई है उसकी वजह से। लेकिन आपकी बहन का किस तरह से नाम उछाला जा रहा है आज? अननेसेसरी उछाला जा रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने के लिए कबीर ने उसका एग्जाम्पल दिया और मुझे लगा कि कोई ज़रूरत नहीं थी, वो और भी तरीके ढूंढ सकता था अपने, वो किस तरीके से इस्लाम को यू नो अच्छे से बता सकता है। उसने मेरी बहन के बारे में इतना बोला एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई सिस्टर और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उसको लेकर। तो मुझे बुरा लगा कि इतने सारे लोगों के सामने कबीर ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए हम मेरी ही बहन को का एग्जाम्पल क्यों दिया। सो आई एम बिट अपसेट। अब ये मुझे नहीं पता कि ये जो मैं मेरा अपसेट है वो कहाँ तक जाएगा। लेकिन जैसा हम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं आज़िब और ज़ारा के विचार मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ज़ारा इज़ वेरी न्यूट्रल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ज़ारा का अलग परसेप्शन है इस्लाम को लेकर। अगर वो इस्लाम में जो चीज़ उसके सबसे सही है शायद वो गलत भी हो सकती है कबीर के हिसाब से, तो वो उन दोनों का तो चलता ही रहता है। बट मुझे लगा इस सीन में पर्टिकुलरली शी इज़ वेरी न्यूट्रल, उसने उस कबीर की बात भी रख ली और उसने आज़िब की भी बात रख ली और दोनों एक तरीके से सही थे। अननेसेसरी का यू नो आर्ग्यूमेंट थी जो कभी कभी हो जाता है, कोई कोई अनइंटेंशनली अपनी बात साबित करने के लिए इतनी हाई पिच वॉल्यूम पर चीज़ें चली जाती हैं। तो दैट्स बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी अपने आप को बात साबित कराने के लिए, बट वो ज़्यादा हो गया। मतलब नोइंगली अननोइंगली दोनों के परसेप्शंस जो है वो अलग है। कबीर का एक अलग परसेप्शन है इस्लाम को लेके, आज़िब का अलग परसेप्शन है, लेकिन ज़ारा ने दोनों परसेप्शन को बैलेंस करते हुए दोनों के बीच के मन मुटाव जो था उसको क्लियर किया। लेकिन दोनों अपनी जगह सही हैं। हाँ दोनों अपनी जगह सही है। आपकी ननन जो जा रही थी घर छोड़ के मस्जिद में रहने, उनको रोक पाते हो आप? यहाँ नहीं, वो अभी काफ़ी गुस्से में है, उनको लग रहा है कि उनकी वो पहली बार आई हैं हमारे घर में और आते ही कबीर ने उनके बेटे की बेइज्जती की है। तो वो कह रहे हैं कि खातिरदारी हमारी बहुत अच्छी तरह की आपने आयशा बहन, अब मुझे ये पता नहीं कि आगे जाके मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी ताकि वो जो बच्चों के बीच में जो झगड़ा और जो होता रहता है वो मन मुटाव ना रखें और एक रिश्तेदार एक बहन के तौर पर हमारे घर में आती रहे। थैंक यू।